राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2022 के सफल संचालन हेतु जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला परीक्षा संचालन समिति धौलपुर अनिल कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन महाराणा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में हुआ। बैठक में जिला कलेक्टर ने परीक्षा कार्य में लगाए गए केंद्राधीक्षकों, केंद्र पर्यवेक्षकों, जोनल अधिकारी एवं एरिया अधिकारियों एवं पेपर कोऑर्डिनेटर, ओएमआर कोऑर्डिनेटर, अतिरिक्त केंद्राधीक्षकों एवं संग्रहण व वितरण दलों का प्रशिक्षण कार्यक्रम में आवश्यक निर्देश दिए। प्रदत्त निर्देशों की पालना सख्ती से करने की हिदायत दी। परीक्षा कार्य में लगे संबंधित अधिकारी कार्मिक प्रशिक्षण के माध्यम से समस्याओं का समाधान आवश्यक रूप से करें। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बचन सिंह मीणा, CDEO मुकेश गर्ग, DEEO अरविंद शर्मा, डाइट प्राचार्य महेश कुमार मंगल, DEEO प्रारंभिक केदार गिरी, CBEO दामोदर लाल मीणा, CBEO दाऊदयाल शर्मा, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी पप्पू सिंह शिकरवार, रमेश चंद भानु, महाराणा प्रधानाचार्य रमाकांत शर्मा, PO राजेंद्र प्रसाद शर्मा सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। धौलपुर से VBN ब्यूरो रिपोर्ट। 23 और 24 तारीख को नीट की परीक्षा आयोजित की जाएगी। उसी क्रम में और सारे जो सेंटर सुपरिटेंडेंट है हमारे और एडिशनल सुपरिटेंडेंट है, सेक्टर एरिया अधिकारी हैं, जोनल अधिकारी हैं, उनको इस तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई अव्यवस्था, त्रुटि, लापरवाही और कोई अनियमितता किसी भी सेंटर पर नहीं रहे और धौलपुर जिले में नीट की परीक्षा पूर्ण कुशलता से समन्वित ढंग से हो सके, उनको बिल्कुल स्पष्ट रूप से निर्देशित। फरार इनामी बदमाश कंचनपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। बाड़ी कंचनपुर की प्रमुख खबर। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बचन सिंह मीणा के निर्देशन में तथा विजय कुमार सिंह RPS के निकटतम सुपरविजन में कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार ने DST टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर चोरी के मामले में 2000 का फरार इनामी बदमाश ऐशवीर गुर्जर उर्फ वीरेंद्र सिंह पुत्र अवतार उर्फ अवतार सिंह निवासी कुआखेड़ा थाना सदरबाड़ी को बड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया। SP धर्मेंद्र सिंह के निर्देशानुसार थाना कंचनपुर एवं DST टीम की संयुक्त कार्रवाई में खतरनाक बदमाश को किया गया गिरफ्तार। इनामी बदमाश को पकड़ने के लिए अलग अलग गठित टीमों ने धौलपुर जिले के साथ साथ आसपास के जिलों में भी फरार बदमाश की तलाशी की गई थी। अब तक ट्रैक्टर चोरी के मामले में मुख्य साजिशकर्ता चारों मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं तथा ट्रैक्टर ट्रॉली को भी बरामद किया गया है। फरार इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार के साथ पूर्णमल रामनिवास, उदयवीर सिंह, बहादुर सिंह कांस्टेबल एवं लाखन सिंह DST प्रभारी, जयदेव हेड कांस्टेबल, योगेश कुमार हेड कांस्टेबल, नीरज कुमार, सुरेश कुमार, योगेश कुमार, गणेश कुमार, दिलीप सिंह कांस्टेबल शामिल रहे। शिविर प्रभारी SDM राधेश्याम मीणा ने लोगों को प्रदान किए पट्टे। बाड़ी की प्रमुख खबर। प्रशासन शहर संघ अभियान के कैंपों का आगाज होते ही नगरपालिका प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। शिविर प्रभारी एवं उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा के नेतृत्व पालिका की टीमों द्वारा घर घर सर्वे किया जाकर पत्रावलियां तैयार करवाई जा रही हैं और पत्रावलियों को शीघ्र निस्तारण कर लोगों को शीघ्र पट्टे वितरण किए जा रहे हैं। सोमवार को शहर के हतियापौर स्कूल में आयोजित कैंप में शिविर प्रभारी राधेश्याम मीणा ने कार्मिकों को निर्देश दिए कि किसी भी पत्रावली में देरी न करें, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पत्रावली का निस्तारण करें और आमजन को राहत दिलाएं। इस दौरान शिविर में शिविर प्रभारी SDM राधेश्याम मीणा, वरिष्ठ प्रारूपकार सुधीर कुमार त्यागी, ARI मांगीलाल, सामुदायिक संगठक जोगेंद्र सिंह मीणा, वरिष्ठ पार्षद रुकम पाल सिंह जादौन, वरिष्ठ पार्षद ओमवीर सिंह चौधरी, शिवशंकर पचौरी, तपेश विधुड़ी, अंकित कुमार, नत्थीलाल, ओम प्रकाश कुशवा, गोविंद यादव, धर्मेंद्र शिवहरे, वीरेंद्र विधोलिया सहित अन्य कार्मिक एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बाड़ी से कान्हा शर्मा की रिपोर्ट। नाकाबंदी के दौरान अवैध पशु ले जाते 5 व्यक्ति गिरफ्तार। 5 वाहन जब्त, 92 पशु कराए मुक्त। धौलपुर की प्रमुख खबर। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बचन सिंह मीणा के निर्देशन में तथा प्रवीण महिला RPS के निकटतम सुपरविजन में थाना अधिकारी थाना सदर धौलपुर दीपक कुमार ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाकाबंदी के दौरान गत दिवस 5 वाहनों को रुकवा कर जाँच की तो उसमें निर्ममता पूर्वक भैंस व पड़िया भरे हुए थे। 5 वाहनों को जब्त कर
5 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया, साथ ही 92 पशुओं को मुक्त कराया। गिरफ्तार मुलजिम इरफान पुत्र महबूब मुसलमान निवासी मदीना कॉलोनी थाना कोतवाली धौलपुर, आसिफ पुत्र सगीर निवासी कागरौल थाना कागरौल जिला आगरा, वसीम पुत्र सगीर मुसलमान निवासी घटिया मोहल्ला कागरौल थाना एवं जितेंद्र पुत्र केशव जाटव निवासी कागरौल थाना कागरौल को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी में सदर धौलपुर थाना अधिकारी दीपक कुमार के साथ लाखन एएसआई, यादराम एएसआई, शिवाजी हेड कांस्टेबल, हुकुम सिंह हेड कांस्टेबल एवं राहुल कृष्णागिरी, सौरव एवं मुकेश कांस्टेबल शामिल रहे। आयुर्वेद के श्लोक गायन में धौलपुर के रामतीर्थ शर्मा ने विश्व रिकॉर्ड प्राप्त किया। धौलपुर से खास खबर, शहर के रत्न और गढ़पुरा रोड के मूल निवासी वर्तमान में शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय उज्जैन के प्राध्यापक डॉक्टर रामतीर्थ शर्मा ने अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के आयुर्वेद संस्था के श्लोकों का संगीतमय गायन कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। विगत 24 अप्रैल 2022 को रविंद्र भवन भोपाल में आयोजित विशाल कार्यक्रम में, जिसमें लगभग 2000 से अधिक प्रतिभागियों ने पूरे देश भर से भाग लिया, यह विश्व रिकॉर्ड संपादित हुआ। शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय उज्जैन के प्राचार्य प्रोफेसर जेपी चौरसिया एवं प्रोफेसर ओपी व्यास डीन विक्रम विश्वविद्यालय तथा वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश गुप्ता के कर कमलों से डॉक्टर रामतीर्थ शर्मा ने विश्व रिकॉर्ड की ट्रॉफी प्राप्त की। धौलपुर के महाणा स्कूल में पढ़े डॉक्टर शर्मा के सभी मित्रों ने गुरुओं ने प्रसन्नता व्यक्त की। धौलपुर भारतीय जनता पार्टी के जिला महासचिव सत्येंद्र पाराशर ने बताया कि डॉक्टर रामतीर्थ शर्मा बाल्यकाल से ही बहुत मेधावी थे तथा महाणा स्कूल में उनके सहपाठी रहे। उच्च शिक्षा की अभिलाषा में आप अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर माधव विलास में अध्ययन के लिए गए, जहां से उन्होंने स्वर्ण पदक के साथ उच्चतम स्थान प्राप्त किया और स्नातकोत्तर उपाधि MD आयुर्वेद में प्राप्त की। तत्पश्चात देश के विभिन्न प्रांतों में उन्होंने अपनी चिकित्सा सेवाएं गुजरात पंजाब उत्तर प्रदेश दिल्ली एवं मध्य प्रदेश में वर्तमान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सत्येंद्र पाराशर ने बताया कि धौलपुर शहर के गणमान्य नागरिकों ने विधायकों ने एवं सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने धौलपुर निवासी डॉक्टर राम शर्मा की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की और उनको धौलपुर शहर का गौरव बताया। नमस्ते, मैं डॉक्टर रामतीर्थ शर्मा और मैं बताना चाहूँगा कि विश्व आयुर्वेद परिषद के द्वारा संयोजन 2022 ऐसा एक कार्यक्रम भोपाल में आयोजित किया गया था, जिसके अंतर्गत विश्व आयुर्वेद कीर्तिमानम का एक इवेंट हमने आयोजित किया था, जिसका संयोजन मैंने ही स्वयं किया था। और उस कार्यक्रम में रविंद्र भवन भोपाल के अंतर्गत विशाल सभागार में लगभग 2100 पूरे देश भर और विदेशों के विद्यार्थियों ने, डॉक्टर्स ने, आयुर्वेदिक प्रोफेसर्स ने बैठकर एक साथ विश्व में पहली बार, संसार में पहली बार और एक अष्टांग हृदय जो आचार्य वाग्भट के द्वारा रचित आयुर्वेदिक ग्रंथ है, जो आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखा गया था संस्कृत में, उसके श्लोकों का संगीतमय वाचन संगीतमय पारायण 3 घंटे तक लगातार मेरे नेतृत्व में मेरे संयोजन में किया गया था। ये कार्यक्रम इसलिए अभूतपूर्व था क्योंकि इससे पहले कभी भी इतनी बड़ी संख्या में 3 घंटे तक लगातार अष्टांग हृदय के सूत्रों का श्लोकों का संगीत। राजाखेड़ा में जैन मुनियों ने किया चातुर्मास प्रारंभ। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर, चातुर्मास के प्रारंभ में सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा कलश स्थापना का आयोजन किया गया, जिसमें चित्र अनावर दीप प्रज्वलन आदि क्रिया हुई। बच्चों द्वारा सांस्कृतिक आयोजन हुए। सभा का संचालन बाल वृदेशना दीदी के द्वारा हुआ। मुनि संघ के पाद पूजा, गुरु पूजन, शास्त्र भेंट एवं कलश प्राप्त कर्ता परिवार का बोली के माध्यम से चयन किया। जैन समाज में बड़ा उत्सव का माहौल था। पूज्य मुनि ने अपने प्रवचनों में कहा कि जैन धर्म धार्मिक आयोजनों को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। आज भी सभी भक्तों ने वैसे ही उत्साह से भाग लिया। यहाँ प्रथम मंगल कलश रखा गया है। प्रभु महावीर ने हमें जो सिद्धांत दिया है, जियो और जीने दो, उसका हमें स्वयं पालन करना चाहिए एवं लोगों को करने की प्रेरणा भी देनी चाहिए। सभी अतिथि दिल्ली, अहमदाबाद, बांसवाड़ा, उदयपुर, शमशाबाद, मनिया, आगरा, सभी गुरु भक्त पधारे। गुरुदेव संघ मंगल आरती करके इस सभा का समापन हुआ। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदनिया की रिपोर्ट।
चार महीने एक स्थान पर रह करके शावक और साधु एक रथ के ऊपर बैठे हैं। भगवान महावीर का यह रथ जिन शासन का रथ शावक और साधु के माध्यम से चलाया करता है और ये शावक साधु का समागम केवल चार महीने का हुआ करता है, जहां एक दूसरे को हरी भांति परिचित हो जाया करते हैं, हरी भांति जान लेते हैं, समझ लेते हैं और ऐसा सुयोग राधा कृष्णवासियों को मिलने जा रहा है कि जहां एक दूसरे को जानने का प्रयास करेंगे योग कहो आप में। कैलाश मानसरोवर अत्याचारी चीन से मुक्त हो, केशव सक्सेना, धौलपुर की प्रमुख खबर। भारत तिब्बत संघ जिला धौलपुर द्वारा जिला अध्यक्ष केशव सक्सेना के नेतृत्व में प्रथम सोमवार को श्रावण संकल्प महोत्सव कार्यक्रम में भगवान शिव का सामूहिक रुद्राभिषेक का आयोजन शहर के काली माता मंदिर के शिव मंदिर पर किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष ने उपस्थित भक्तों को संकल्प दिलाया जब तक देवाधिदेव भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश मानसरोवर धाम अत्याचारी चीन के कब्जे से मुक्त नहीं हो जाता तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। प्रांत महामंत्री दुष्यंत शर्मा ने कहा, श्रावण मास शिव का प्रिय मास है, हम सब एक लोटा जल कैलाश मानसरोवर की मुक्ति हेतु अवश्य चढ़ाएं। महिला जिला अध्यक्ष श्रीमती वीनस गर्ग ने कहा, सामूहिक संकल्प की प्रबल शक्ति से कैलाश मानसरोवर अवश्य मुक्त होगा। जिला मंत्री केदार कुशवाहा, जिला उपाध्यक्ष मुकेश श्रीवास्तव, उमेश श्रीवास्तव ने कहा, हमें प्रत्येक सोमवार को शिव का सामूहिक पूजन अवश्य करना चाहिए। जिला युवा अध्यक्ष दुष्यंत शर्मा ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में अमित मुद्गल, ब्रजमोहन शुक्ला, पंकज थापा, श्रीमती ममता सिंगल, श्रीमती कमलेश शर्मा, सरयू दीपक उपाध्याय, चैतन्य श्रीवास्तव, शिखर सक्सेना, हिमांशु चैनपुरिया, पुजारी आलोक गौतम, सोनू शिवा पुजारी, योगेश सिकरवार, मुरारी पाराशर, अभिषेक लक्की आदि धर्म प्रेमियों ने कैलाश मानसरोवर मुक्ति हेतु एक लोटा जल शिव को अर्पित किया। भारतीय जनता पार्टी बसेड़ी मंडल की बैठक आयोजित, बसेड़ी की प्रमुख खबर। आज भारतीय जनता पार्टी मंडल बसेड़ी की बैठक मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार की अध्यक्षता में हुई। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार ने कहा कि बसेड़ी मंडल की बूथ समिति और पन्ना प्रमुख बन चुके हैं और एक बूथ पर एक बूथ अध्यक्ष और 21 सदस्यों की फोटो युक्त बूथ समिति बन चुकी है। इस मौके पर डॉक्टर महेंद्र कोहली ने कहा कि आने वाले 2023 के चुनाव में इससे हमको चुनाव जीतने में बहुत मजबूती मिलेगी, क्योंकि हर बूथ से हम जीतेंगे तो 2023 में भाजपा की सरकार बनेगी। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार, महामंत्री पप्पू परमार, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष पीयूष शर्मा, डॉक्टर महेंद्र कोहली, दामोदर शर्मा, मनीष सेन, कृष्णा कोहली आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बसेड़ी से निशांत पारासर की रिपोर्ट। शेरपुर प्रधानाध्यापक राजेश शर्मा ने अपने जन्मदिन पर 100 छात्राओं को बांटे स्कूल बैग, धौलपुर की प्रमुख खबर। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शेरपुर में स्कूल बैग वितरण समारोह का आयोजन नगर परिषद के सभापति, प्रतिनिधि एवं पूर्व उप सभापति निशांत सिंह चौधरी के मुख्य आतिथ्य एवं प्रधानाध्यापक राजेश शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। संस्था प्रधान राजेश शर्मा ने बेटियों के प्रोत्साहन की सकारात्मक पहल करते हुए श्रावण मास के पहले सोमवार के शुभ अवसर व अपने जन्मदिन के मौके पर पत्नी राधा रानी शर्मा के सहयोग से 100 छात्राओं को स्कूल बैग प्रदान किए। मुख्य अतिथि निशांत सिंह ने कहा कि विद्यार्थी समाज एवं देश की अमूल्य पूंजी है। इस दौरान प्रधानाध्यापक राजेश शर्मा ने कहा कि शेरपुर स्कूल को एक आदर्श सरकारी विद्यालय के रूप में संचालित किया जा रहा है। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष खरगजीत बघेल ने भी विचार व्यक्त किए। समारोह का संचालन अध्यापक सौरभ कुमार राजपूत ने किया। इस मौके पर साहब सिंह वकील, रामशंकर, सत्येंद्र कुमार, रेखा मीणा, रागिनी त्रिवेदी, राजेश कुमार शर्मा सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्रा व अभिभावक मौजूद रहे। विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी हमारी अमूल्य पूंजी है, उनकी शैक्षणिक जरूरतों के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ उनकी मूलभूत जरूरतों का भी हम ध्यान रखते हैं। इसी कड़ी में काफ़ी बच्चे स्कूल में पॉलीथिन में हाथों में किताबें लेकर आ रहे थे, इसीलिए
स्कूल बैग आज हमने अपने जन्म दिवस के मौके पर अपनी धर्मपत्नी श्रीमती राधा रानी शर्मा के सहयोग से 100 स्कूल की छात्राओं को स्कूल बैग प्रदान किए और आगामी दिवसों में अन्य विद्यार्थियों को लिए भी भामाशाहों का सहयोग लेकर स्कूल बैग प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। और मैं राजेश जी को बहुत वर्षों से जानते हैं, हम दोनों बहुत अच्छे से परिचित हैं। मैं आपसे बस एक ही निवेदन यही करना चाहता हूं कि आप इन बच्चों के लिए जो भी कुछ कर रहे हैं उसका फल तो भगवान आपको देगा ही, पर मैं आपसे एक निवेदन ये करना चाहता हूं कि अगर मेरे से इस स्कूल के लिए कोई भी सहयोग की जरूरत पड़े तो आप मुझे बेझिझक कभी भी बता दें। क्योंकि एक चीज ये होती है ना कि जब अच्छाई आदमी देखता है, अच्छाई आदमी जब देखता है तब उसका मन करता है अच्छा करने का। ऐसे ही जब बच्चे स्कूल में आते हैं, अच्छी क्लास मिलती है, साफ सुथरी ड्रेस मिलती है, साफ सुथरी स्कूल का पूरा। बाल श्रम पुनर्वास की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन धौलपुर की प्रमुख खबर। आज दिनांक 18 जुलाई को शेप द चिल्ड्रन फाउंडेशन एवं दिशा फाउंडेशन धौलपुर के संयुक्त तत्वाधान में सहेली प्रशिक्षण केंद्र धौलपुर में बाल श्रम उन्मूलन पर पीड़ित परिवार, संबंधित विभाग, मानव तस्करी विरोधी यूनिट एवं अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि विश्वदेव पांडे, सहायक निदेशक बाल संरक्षण इकाई धौलपुर, विशिष्ट अतिथि गिरीश गुर्जर बाल कल्याण समिति धौलपुर, कार्यशाला में संजीव गुप्ता श्रम विभाग माजिद शरीफी रहे। कार्यशाला में मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि द्वारा प्रसूति सहायता, शुभ शक्ति योजना, ई श्रम कार्ड के बारे में बताया। बाल श्रम उन्मूलन को रोकने के लिए कैसे बेहतर प्रभावी प्रयास किए जाएं और उनको सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़कर बाल श्रम को कम करने पर जानकारी प्रदान की गई। बच्चों को शिक्षा से जोड़कर बाल श्रम को कम कर सकते हैं। कार्यशाला में पीड़ित परिवारों ने अपनी समस्या रखी एवं उनके समाधान के लिए पदाधिकारी ने राय दी। चाइल्ड लाइन मानव तस्करी विरोधी यूनिट से भंवर सिंह, यादराम, योगेंद्र, यशपाल मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती कविता शर्मा काउंसलर ने की। कार्यक्रम के अंत में अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर को शेव द चाइल्ड की तरफ से जिले को बाल श्रम से मुक्त कराने के लिए ज्ञापन दिया गया। इस कार्यक्रम में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के प्रोग्राम समन्वयक छगन लाल, सपोर्ट पर्सन नरेश, काउंसलर पार्वती, एडवोकेट प्रमोद शर्मा, BGBS विकास समिति धौलपुर, स्वयंसेवी संस्था आदि उपस्थित रहे। धौलपुर से जयसिंह गुर्जर की रिपोर्ट। अनियंत्रित ट्रक ने गरीब के झोपड़ी को किया तहस नहस, ड्राइवर फरार। धौलपुर की प्रमुख खबर। धौलपुर कोलारी राजमार्ग स्थित सैपो उपखंड के गांव टहरी का पुरा थाना कोलारी के अंतर्गत एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर के सुखराम कुशवा की झोपड़ी में जा घुसा, जिससे सुखराम कुशवा की झोपड़ी टूट फूट कर नष्ट हो गई। ट्रैक्टर चालक फरार है। गरीब सुखराम का आशियाना नष्ट हो जाने के कारण उसके बच्चे एवं परिजन इस बारिश के मौसम में खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। ऐसी स्थिति में पीड़ित परिवार के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। प्रशासन को गरीब सुखराम की मदद करनी चाहिए। धौलपुर से उत्तम सिंह कुशवा की रिपोर्ट। बैंकों के पास अपनी पार्किंग नहीं, सड़कों पर वाहन खड़े होने से लगता है जाम। सरमथरा की प्रमुख खबर। कस्बा में विभिन्न बैंकों की शाखाओं के पास अपनी पार्किंग नहीं है, लिहाजा बैंक अधिकारियों, कर्मचारियों और उपभोक्ताओं के वाहन सामने सड़क पर ही खड़े होते हैं। इससे दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। सबसे ज्यादा परेशानी हॉस्पिटल रोड पर बैंकों के और दुकानों के सामने खड़े होने वाले वाहनों के कारण होती है। समस्या आज की नहीं बल्कि कई वर्षों से है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अवैध पार्किंग के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। यदि नियमों की बात की जाए तो प्रत्येक बैंक की अपनी पार्किंग होनी चाहिए। बाड़ी से कान्हा शर्मा की रिपोर्ट।